इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने आईफोन के अंदर अगर कॉल फॉरवर्डिंग को लगा देते हैं या कोई और लगा देता है उसको, तो उस कॉल फॉरवर्डिंग को कैसे बंद कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा फ़ोन का ऑप्शन, तो इसके अंदर ही आपको जाना होगा। जाने के बाद यहाँ पर आप जब थोड़ी सी नीचे आएंगे तो कॉल फॉरवर्डिंग आपको दिख जाएगी, तो कॉल फॉरवर्डिंग पर आपको जो है क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पर कॉल फॉरवर्ड टू लगा हुआ है, तो इस पर हमें जो है बंद करने के लिए इस पर क्लिक करना होगा इसी नंबर पर, और यहाँ पर इसको काट देना होगा। जैसे हम इसको काटेंगे उसके बाद बैक लाइए, बैक लाने के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, उसके बाद आपकी कॉल फॉरवर्डिंग नहीं लगेगी। तो ये प्रोसेस है आईफोन के अंदर कॉल फॉरवर्डिंग को बंद करने का। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।